डिजिटल स्कैम एक ऐसी चीज जो अगर किसी के साथ हो जाए तो आपका पूरा अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है। आमतौर पर स्कैमर्स फेक कॉल्स और मैसेजेस के जरिए स्कैम करते हैं, लेकिन अब इन्होंने हद ही पार कर दी है क्योंकि इनके निशाने पर आ गए हैं चार धाम। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। डिजिटल स्कैम लगातार बढ़ रहा है। ठग अब चार धाम के यात्रियों को अपना निशाना बना रहे हैं, या यूं कहें कि मौसम के हिसाब से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। पिछले महीने ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के द्वार खुले हैं। द्वार खुलने के बाद लाखों की संख्या में लोग अब चार धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं और इसी बात का फायदा अब ठग उठा रहे हैं। दरअसल ठगों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बाहर कुछ QR कोड स्कैनर्स लगाए हैं, जिसके जरिए वे श्रद्धालुओं से डोनेशन के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। हो सकता है कि कई लोगों ने इन QR कोड के जरिए मंदिर के नाम पर अपना सहयोग भी दिया हो। हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर कमेटी को इस बात की कानो कान कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने किसी भी स्कैनर से किसी भी प्रकार की कोई डोनेशन लेने की बात को नकारा है। वैसे आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के द्वार 25 अप्रैल के सुबह 6:20 पर खोले गए थे, जबकि बद्रीनाथ धाम 27 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। फिलहाल दोनों जगह मौसम ठंडा है और लगातार बारिश हो रही है। आप यात्रा पर निकलने से पहले उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स और वेदर अपडेट को जरूर चेक करें ताकि मार्ग में आपको कोई परेशानी ना आए। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।